हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार एचआरएच। नेक्स्ट सर्विस आईपीओ की कल लिस्टिंग डेट है 3 जनवरी वेडनेसडे को, ये कल लिस्ट होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसकी फाइनेंशियली देखें तो फाइनेंशियली इसमें काफी अच्छा ग्रोथ देखने के लिए मिला है। 2021 में 25 लाख की प्रॉफिट था, लेकिन 2023 की फर्स्ट क्वार्टर में इसकी प्रॉफिट 347.79 लाख हो चुका, जो कि इसके मुताबिक ये लगभग 14 गुना ग्रोथ कर चुका। तो ये फाइनेंशियली काफी अच्छा दिख रहा है, फाइनेंशियली ग्रोथ इसमें अच्छा देखने के लिए मिला है। रेवेन्यू भी बहुत अच्छा ग्रोथ किया है, एसेट में भी बहुत अच्छा ग्रोथ देखने के लिए मिला है। तो फाइनेंशियली ठीक दिख रही है, फाइनेंशियली ग्रोथ इसमें अच्छा हुआ है। बाकी इसकी बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये आउटसोर्सिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जैसे चैट सपोर्ट, ईमेल सपोर्ट, बैकएंड सपोर्ट, वॉयस सपोर्ट इत्यादि इस तरीके का ये बिजनेस करती है। बाकी इसकी सब्सक्रिप्शन की बात करें तो सब्सक्रिप्शन इसकी कुछ खास सब्सक्रिप्शन नहीं हुई है, 66.29 गुना सब्सक्राइब हुआ है। हालांकि एसएमई आईपीओ में 100 गुना सब्सक्राइब होना बहुत ही मामूली बात होती है, लेकिन इसमें कुछ खास सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, 66 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है। बाकी इसकी जीएमपी देखें तो जीएमपी 25% प्रीमियम के साथ अनलिस्टेड मार्केट में 45 पर ट्रेड करी है। कटअप प्राइस 36 है, अभी इसकी जीएमपी 9 रूपये चल रही है। इसकी जीएमपी की ओपनिंग 22.22% प्रीमियम के साथ 8 रूपये पर हुआ है और अभी ये 9 रूपये पर ट्रेड कर रही है। 9 रूपये पर काफी दिन से स्थिर है। 25% प्रीमियम के साथ 45 पर ट्रेड करी है, अच्छा बेनिफिट दे रही है। जितना इसका आईपीओ का डिमांड था उसके हिसाब से इसकी जीएमपी ठीक ही है, 25% इसकी जीएमपी है। इसकी फाइनेंशियली ग्रोथ अच्छा है, लेकिन बिजनेस मॉडल उतना कुछ खास नहीं है, यूनिक नहीं है। बाकी इसकी फाइनेंशियली ठीक ही है, फाइनेंशियली अच्छा है। और इसकी इस आईपीओ की सब्सक्रिप्शन भी कुछ खास नहीं गया था, बहुत ज्यादा डिमांडेबल नहीं था। बाकी इसकी जीएमपी ठीक है, 25% है। अभी इसकी लिस्टिंग का क्या हम लोग लगाए तो इसकी लिस्टिंग 15% प्रीमियम से लेकर के 30% प्रीमियम के रेंज में हो सकती है। काफी दिन से ये स्थिर है तो मे बी 5 से 6% के डाउनफॉल देखने के लिए मिलेगा या 5 से 6% उछाल देखने के लिए मिलेगा। तो इसकी लिस्टिंग 15% प्रीमियम से लेकर के 30% प्रीमियम के रेंज में हो सकती है, जो कि अच्छा लिस्टिंग गेन मिल जाएगा। बहुत बुरा तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन भी इसमें कुछ खास नहीं हुआ है, जितना डिमांड है उसके हिसाब से 15% प्रीमियम पर भी इसकी लिस्टिंग होती है तो अच्छा ही लिस्टिंग माना जाएगा। 30% भी होती है तो एक मीडियम लिस्टिंग माना जाएगा, कुछ खास नहीं, बट मीडियम लिस्टिंग गेन मिल सकती है, एक अच्छा बेनिफिट मिल सकती है। सो आई होप सारे पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दे ताकि मैं जब भी आईपीओ रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।